जनपद मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी के साथ रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अब उपलब्ध है। कॉस्मोस हॉस्पिटल में कार्यरत ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि यह रोबोटिक सर्जरी पहले केवल विदेश में ही होती थी और पूरे प्रदेश में पहली बार यह नई टेक्नोलॉजी केवल मुरादाबाद के कॉस्मोस हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट की गई है, जिससे प्रदेश के लोगों को दूर दराज या विदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि इस टेक्नोलॉजी के उपचार को आयुष्मान कार्ड में शामिल किया जाए, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हम जानना चाहेंगे आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों के बीच। मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मुरादाबाद में, और कॉस्मोस हॉस्पिटल है। कॉस्मोस हॉस्पिटल में अभी रोबोटिक सर्जरी का कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, उसके बारे में पूरी जानकारी। कॉस्मोस हॉस्पिटल में जो रोबोटिक सर्जरी की जा रही है, रोबोटिक सर्जरी के रोबोट के द्वारा हम नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन करते हैं, और ये जो हमारा रोबोट है ये विश्व स्तरीय रोबोट है और इस सबसे अच्छा रोबोट यही है। अभी तक रोबोटिक सर्जरी के बारे में लोगों ने सुना था, लेकिन क्या इसके फीचर्स हैं? और उत्तर प्रदेश, अभी जैसे कि जानकारी दी, यूपी और उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर यूज की जा रही है, लॉन्च की जा रही है, तो इसमें क्या ऐसी नई खासियत है जो पेशेंट्स को मिलेंगी? रोबोटिक सर्जरी एकदम नई टेक्नोलॉजी है, विदेशों में ये पिछले 5-7 साल से यूज हो रही है लगभग, लेकिन हमारे देश में अभी 1-2 साल से ही आई है चलन में ये, और अभी तक ये बड़े सिटीज जैसे कि दिल्ली है, बॉम्बे है, उनके बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, वहीं तक ये सुविधा सीमित थी। लेकिन मुरादाबाद में ये हम लोग पिछले 7-8 महीने से इसके द्वारा सर्जरी कर रहे हैं, और जो हमारा रोबोट है ये एक स्ट्राइकर एक कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है, उसका रोबोट है, और ये विश्व का सबसे अच्छा रोबोट है। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि जिस कंपनी का रोबोट होता है, आप उसी कंपनी का इम्प्लांट, यानी कि जो आर्टिफिशियल नी है या जॉइंट है, उसी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी दूसरी कंपनी का आप रोबोट से सर्जरी कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप उतना अच्छा इम्प्लांट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रोबोट तो जो है उसकी गुणवत्ता तो अलग है, लेकिन जो इस्तेमाल होने वाला इम्प्लांट है उसकी भी गुणवत्ता उस पर आधारित होती है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर कंपनी के रोबोट से उसी पर्टिकुलर कंपनी का इम्प्लांट यूज होता है। तो सर, इससे मुरादाबाद के लिए क्या लाभ है? मुरादाबाद के लिए ये लाभ है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, और दिल्ली के बाद ये कहीं नहीं है। लखनऊ में एक रोबोट है, लेकिन वो भी इस तरह का रोबोट नहीं है जो स्ट्राइकर का ये रोबोट है, और ये मुरादाबाद में जितने दाम में ये सर्जरी हो रही है, जितना खर्चा मुरादाबाद में आता है, वो उससे 2 गुना खर्चा लगभग दिल्ली में आता है इसी सर्जरी का। सर, इसमें आयुष्मान कार्ड का भी कोई? आयुष्मान कार्ड में रोबोट अभी कवर नहीं हो रहा है, तो आयुष्मान कार्ड से तो हम अभी जो परंपरागत तरीके से नी रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, और आपके द्वारा, खास करके पत्रकार बंधुओं के द्वारा और आपके चैनल के द्वारा, कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, और रोबोट के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो रोबोटिक सर्जरी में एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, उनको भी आयुष्मान कार्ड में कवर करने की कोशिश करें, ताकि हमारे गरीब जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकें। सर, इसमें कुछ सिर में चोट लगने से कुछ समय, लंबे समय में पेशेंट चले जाते हैं, उसके लिए क्या कहना है आपका? सिर में चोट लगने का, देखिए, ये थोड़ा, अभी तो रोबोट की बात कर रहे थे हम, थोड़ा अलग सवाल आपने कर दिया है। सिर की चोट का जो संबंध है वो न्यूरो सर्जरी से होता है, और हमारे सेंटर पे न्यूरो सर्जरी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारे सेंटर पर डॉक्टर संजय गुप्ता हैं, जो वरिष्ठ न्यूरो सर्जन है, और उनका जो अनुभव है वो काफ़ी अधिक है। तो जो भी सर में चोट लगने के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस पर कभी कभी पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो उसका बड़ा। मरीज के किन किन हालातों में इस रोबोटिक सर्जरी को इस्तेमाल किया जा सकता है? रोबोटिक सर्जरी केवल नी रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होगी, अभी घुटना प्रत्यारोपण के लिए, और उसके बाद हम हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, और बाद में अभी नेक्स्ट ईयर हमारा जो है, इससे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के ऑपरेशन करने का भी इरादा है, तो उसके लिए हमको इसके सॉफ्टवेयर को और डेवलप करना पड़ेगा, जो अभी इन प्रोसेस है। सर, क्या शुक्राना देने चाहेंगे दीपावली की? सभी मेरे मुरादाबाद वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि वह सौहार्दपूर्ण तरीके से आप ये पर्व मनाया जाए, और इसके साथ साथ मेरी ये भी
प्रार्थना है कि इसमें जो ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है उसका हमेशा ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसके वजह से कुछ ऐसे वृद्ध पेशेंट होते हैं जिनको परेशानी होती है और अक्सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सौहार्द तरीके से सभी लोग दीपावली मनाएं, और दीपावली की पुनः एक बार पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ पेशेंटों के लिए संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो पेशेंट जिनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या सांस की कोई दिक्कत है, तो वो इस तरह के प्रदूषण में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो हम लोग आतिशबाजी और क्रैकर्स यूज़ करते हैं उनमें थोड़ा प्रदूषण तो होता है, और जो आतिशबाजी चलाते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ का भी ध्यान रखें।